लंग्स का कैपेसिटी और लंग्स का डिफरेंट फंक्शन का इससे टेस्ट होगा। इसका नाम है DLCO मशीन। ये जो है सो काफी कॉस्टली मशीन है, 18 से 20 लाख रुपया इसका दाम है। ये हमारे विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर हमने पटना में स्वास्थ्य विभाग को हमने इसके लिए लिखा था, लास्ट दिसंबर 19 में हमने लिखा था 31 दिसंबर को, और वहां से BMSICL ने परचेज करके यहां पर इंस्टॉल कराया है। इसे जो भी ये लंग्स के मरीज होंगे, लंग्स का टोटल कैपेसिटी, लंग्स के तरह तरह के डिजीज हैं, उसके लिए कुछ छोटा जांच होता था, एक PFT होता था, उससे बहुत लिमिटेड जानकारी मिलती थी। अब इससे इतनी तरह की जानकारी मिलेगी कि हर तरह का जो है सो उसका प्रॉब्लम जो है किस लेवल का उसका डिजीज है, आगे क्या करना है, सारी बातें पता चल जाएगी, पूरा उसका डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। और इससे यहाँ के जनता को, यहाँ के पेशेंट को, खास करके ये TB चेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत ही लाभ होगा इससे बहुत। हम और इसका आज हम लोग सब मिलकर उद्घाटन किए हैं, हम हैं सुपरिटेंडेंट साहब थे, सब मिलकर उद्घाटन किए हैं। और ये हम सोचते हैं कि अब इसमें हो सकता है मरीज को कुछ पैसा भी हम लोग चार्ज करें, क्योंकि ये कॉस्टली है, उसका जो मटेरियल आता है, तो वो तो आगे की बात है, वो हम लोग रोगी कल्याण समिति में इसको जो उसमें निर्णय होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है पेमेंट भी करना पड़े, मे बी, ये सब अभी पता नहीं हमको, लेकिन वो मीटिंग में डिसाइड होगा। लेकिन DLCO मशीन जो लगाया गया है ये TBHS डिपार्टमेंट में, किसी भी तरह के लंग डिजीज में जिसमें फंक्शन में डिफेक्ट आता है उसकी जांच के लिए लगाया गया है। ये हमारे संस्थान में चूंकि काफी पहले आ गया था, मार्च के महीने में आ गया था, लेकिन कोविड के चलते हम लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे। हमारे प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मशीन को मंगवाया गया था, बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है BMICL के द्वारा इसे यहाँ। आज मैं अपने आप को एज ए वॉलंटियर इस मशीन पर डाला, क्योंकि मैं पूर्व में कोविड से ग्रसित था, तो इन लोगों ने बोला कि आप अपना टेस्ट करवा लें, तो मैं एज ए फर्स्ट पेशेंट इसमें। ये जो मशीन है इसका नाम है DLCO मशीन, डिफ्यूजन कैपेसिटी, और इसमें यूज किया जाता है गैस, इसका नाम है कार्बन मोनोक्साइड। तो ये मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि यह मशीन पूरे बिहार में, ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है भालपुर मेडिकल कॉलेज जहां पर इंस्टॉल किया गया है, और किसी भी रेस्पिरेटरी मेडिसिन में विभाग में यह मशीन जरूरी है, उसको रिसर्च के लिए और उच्च शिक्षा के लिए। इसलिए PG की पढ़ाई अगर शुरू करना है तो इस विभाग में यह मशीन चाहिए था, और इसलिए यह मशीन यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। इस मशीन में दो बातें जो हम लोग जांच करते हैं, एक जिसका काम है कि जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कि सांस का जो हम लोग लेते हैं, सांस वेंटिलेशन जो होता है, इसकी शक्ति क्या है, और इससे जो है इस बीमारी का पता चलता है कि किसी को दमा है, COPD है, और ये जो है जांच हम लोग इसे पता करते हैं, या इसको दमा COPD नहीं हो करके इसमें जो है हवा नहीं भर पाती है, जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। लेकिन इसमें दूसरा भी एक टेस्ट है जिसका नाम है DLCO डिफ्यूजन कैपेसिटी। जिस तरह से हवा जो जाती है सबसे लास्ट वायु प्रकोष्ठ में जाती है, और वहां से अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड में जाती है, तो अगर उसमें दोष है, जैसे फाइब्रोसिस हो गया किसी लंग में, जैसे कोविड के कारण से बहुत सारे जो है मरीज को बाद में दम फूलता है, तो वह डिफ्यूजन कैपेसिटी बता देगा कि इस मरीज को फाइब्रोसिस है या नहीं, और उसके बाद जो है उसका आप उसके अनुसार से इलाज करेंगे। तो यह दो महत्वपूर्ण जांच कि आपके शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जा रहा है कि नहीं, और आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या दमा और COPD के शिकार हैं कि नहीं, दोनों जांच केवल एकमात्र इसी मशीन से हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में मशीन आने के चलते इसमें बीमारी पकड़ने में और डिटेल्स में पता लगाने में बहुत सुविधा हुआ, तो इसमें ट्रीटमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये मशीन बहुत कॉस्टली है, लेकिन जांच कराने में करीब 400-500 रुपया खर्चा पड़ता है। अभी तो फ्री होगा जांच, जो रियूजेबल पार्ट है, जो डिस्पोजेबल पार्ट है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट से अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो तब फ्री होगा आगे, नहीं तो जैसे अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि हाँ पेशेंट से पैसा लिया जाएगा तो पैसा। बिहार में इस मेडिकल कॉलेज की कार्य क्षमता को देखते हुए
सरकार के आकलन के अनुसार पीएमसीएच के बाद हम सरकार ने हमें वरीयता दी है और हमारे यहाँ जो पल्मोनरी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है रेस्पिरेटरी मेडिसिन का जो हेडेड हो रहा है भाई डॉक्टर डीपी सिंह जो प्रोफेसर है और डॉक्टर शांतनु कुमार घोष इन लोगों की जो तन्मयता है और लगनशीलता है को देखते हुए सरकार ने एक रिकॉग्निशन के तौर पे ये मशीन यहाँ भिजवाई है। ये मशीन हमारे यहाँ जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो फेफड़े में क्या हालत है क्या ताकत है फेफड़े की उसको देखने के लिए ये कि बहुत ही नायाब मशीन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजन के द्वारा बताती है कि आपके फेफड़े में जो ताकत है वो आपके फेफड़े की जो एल्वियोलाई है यानी जो फुफ्फुस है उसमें ताकत में कमी है या जो फेफड़े की रक्त संक्रमण है जो जिनका ब्लड सप्लाई है फेफड़े का उसमें कमी है। इन दोनों को हम यहाँ आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाहर में जाने में बहुत दिक्कतें होती है। साधारण पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो पीएफटी बोलते हैं उससे ये थोड़ी इतर है। इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का भी पार्ट है और हमारी लंग की कैपेसिटी का भी पार्ट होता है जो दोनों को हम एक ही मशीन से जान सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम पैसे में ये हो सकता है क्योंकि सरकार ने हमें यहाँ दिया है। एक पर पेशेंट कॉस्ट मुझे लगता है कि अगर जो खर्च हो रहा है इस पे वो लगभग 500 रुपए के आसपास का है तो 500-700 रुपए में ये आराम से हो जा सकती है। बाहर में 4000 के आसपास इसका कॉस्ट लगता है। इससे मरीजों को बहुत फायदा होगा और जो गरीब होते हैं आयुष्मान में होते हैं उनको तो फ्री होता है इसलिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और हमारे जो फिजिशियंस होंगे जो काम करेंगे इस पे उनकी भी जो ताकत है वो बढ़ेगी। हम लोगों के रिसर्च वर्क्स इस पे बढ़ेंगे और हम लोग बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद लेकर चलते हैं। मैं आपको आप लोगों को जनता को आपके माध्यम से प्रेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को मुबारकबाद देना चाहूंगा। यहाँ की खासकर जो आंध्र प्रदेश की जनता है जिनका हम लोग हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं उनके लिए कि एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ उपलब्ध हो गई है। आप इसका फायदा लीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए और धूम्रपान से निषेध रखिए तो हमारी ताकत और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में 150 लैब्स में लगा हुआ है जो भी एम्स है जितने भी बने हुए हैं अभी फिलहाल में एम्स न्यू दिल्ली एम्स भोपाल पटना जोधपुर फिर आपका सीएमसी वेल्लूर है जितना भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे भी आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है या फिर पूरे जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट बन रहे हर एक जगह पे हमारा मशीन लगा हुआ है। क्या खासियत है इस मशीन की? सर ये बेसिकली एक्यूरेसी जो है मशीन का ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मशीन है हाईली डेवलप्ड ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बिकने वाला जो सेकंड वर्ल्ड वाइड रैंक और इसका जो क्वालिटी है सर इट्स एफडीए अप्रूव्ड यूएस एफडीए अप्रूव्ड मशीन है सी अप्रूव्ड है जो भी इंटरनेशनल वैलिडेशंस लगता है ये सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे इसका अप्रूवल लिया हुआ है सर। रिसर्च में मोस्टली यूज हुआ है इसका हर एक जगह पे वैलिडेशन हुआ है तो इसकी जो गुणवत्ता है काफी ज्यादा है। मेड कंपनी से हूँ मेरा नाम है राहुल ताठे।